राजधानी दिल्ली के किराड़ी इलाके में 70 फुटा रोड पर एक लोडिंग ट्रक फंस गया। गनीमत रही कि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन ट्रक में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने की खबर सामने आई है। पिछले कुछ महीनों में 70 फुटा रोड पर निर्माण कार्य चल रहा है, जिसकी वजह से जगह जगह पर गड्ढे हुए पड़े हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि किराड़ी में काम सही ढंग से नहीं किया जा रहा है, और जहाँ किया जा रहा है वहाँ पर गड्ढों को भरा भी नहीं जा रहा, जिसके कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं। इन गड्ढों की वजह से रोड पर जगह जगह पर गड्ढे हैं, और इसकी वजह से कई गाड़ियाँ फंस जाती। और आज देखिए किस तरीके से यहां पर एक जो ट्रक है वो भी फंस गया। ट्रक फंसने के बाद यहां पर कई किलोमीटर लंबा जाम भी लग गया। वहीं ट्रक को निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि ट्रक लोडिंग था। पहले ट्रक को खाली किया गया, उसके बाद क्रेन बुलाकर यहां पर ट्रक को हटाया गया। लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं प्रशासन की फोल खुल रही, क्योंकि मानसून का दौर चल रहा है और इस वक्त अगर पानी भरता और इस तरीके के खड्डे होते तो उससे कोई बड़ा हादसा भी सामने आ सकता है। आरसो न्यूज की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.rsonews.com पर विजिट करें। आरसो न्यूज के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ नीरज अवस्थी की रिपोर्ट। नाम बताइए अपना। मेरा नाम सचिव शुक्ला है। आज ये गाड़ी फंस गई है, क्या कोई नुकसान भी हुआ, जिसमें चोट भी लगी है? पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, ये आज ही गाड़ी नहीं फंसी है, आज ही गाड़ी यहाँ फंसी है। और जानों माल की हानि तो नहीं हुई, लेकिन गाड़ी हो भी सकती है, ऐसी कोई दोराय नहीं है। आए दिन आप देखते हो कहीं ई रिक्शा पलटते, कहीं कुछ उलटते। अभी चंद ही दिनों की बात है, यहीं पर आगे एक जो है क्या ना, एक ई रिक्शा लोडेड होकर के जा रहा था, और वहाँ बगल में महिला खड़ी थी, और वो अचानक जो है इस तरीके से डांस करते हुए ई रिक्शा जा रहा था, और वो अचानक ही पलटा और उस महिला के ऊपर पूरा पूरा ई रिक्शा पलटते के साथ ही उसे यहाँ चेस्ट में 3 इंजर्ड हो गए। पता है इसे जिम्मेदार कौन है? वजह क्या हो सकती है, क्यों गाड़ियां पलट रही हैं आजकल? ये वजह ये जो दिल्ली के अंदर नकारा सरकार बैठी हुई है, जो दिल्ली के अंदर जो यहाँ किराड़ी विधानसभा के अंदर जो है नकारा विधायक बैठा हुआ है, जो यहाँ की सुध भी नहीं लेता है, वो कभी उसे इन गलियों में इन रोडों पर चल करके भी नहीं देखा है कि इस किराड़ी की स्थिति कैसी है। और तो और उसके पास जब जनता जाती है अपनी समस्याओं को लेकर के, तो छूटते मुँह पर सिर्फ यही कहता है कि ये तो ऐसा ही होगा जी, जैसा चल रहा है ऐसा होने दो, अन्यथा ये भी रुक जाएगा। अब बताइए जनता करे तो करे क्या, जाए तो अच्छा, जाए कहाँ? ये जो ट्रक फंसा है, क्या इसमें किसी को चोट भी लगी? मैं आपसे पहले बता चुका हूँ, शुक्र ये हुआ है कि इसमें किसी को चोट नहीं लगा, अन्यथा जैसे ई रिक्शा बताया मैंने, ई रिक्शा पलटा और वो महिला इंजर्ड हो गई, ऐसी स्थिति इसके साथ भी भयावह हो सकता था। आप देख सकते हैं टायर कितना अंदर जा चुका है, थोड़ा सा और अगर 1 फीट और इधर होता तो शायद ये पलटता और जान और माल की हानि भी होती है। तो कब से चलना काम, क्या किसको दोषी मानते हैं? जी जाहिर सी बात है, यहाँ दिल्ली नगारी दिल्ली सरकार और जो कंपनी इस पे काम कर रही है वो ठेकेदार, समय से काम ना करके देना। आप एक बात बताइए, बरसात के अंदर कोई भी गड्ढे खोदने अलाउड नहीं है, और ये काम जो इन्हें बरसात से पहले करके देना होता है, लेकिन जो है बरसात से पहले ये शुरू किया और शुरू करके और अभी तक ये रोड एक लाइन निपटा पाए हैं, और गलियों का कनेक्शन अभी इंटर कनेक्शन करना बाकी है।